जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। गणेश पुराण में लिखा है कि भगवान गणेश को गुड़ से ज़्यादा प्रिय कोई मिठाई लगती ही नहीं है। वही गुड़ का दान करने से बुद्धि तीव्र हो जाती है, क्योंकि गुड़ गणेश भगवान को अधिक प्रिय है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़ का दान करने से जन्म पत्री के सब दोष समाप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़, बाजरा, तिल, इन सब चीज़ों का दान करने से अपार सुख संपदा वैभव प्राप्त होता है, ऐसा सूर्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। ज़्यादा ना हो सके तो 100 ग्राम ही गुड़ का दान अवश्य कर दिया करें, हर वर्ष किया करें। गणेश पुराण में वर्णित है कि जो गुड़ घोलकर गणेश भगवान को हर बुधवार स्नान कराता है, उसकी जीवन में कभी भी किसी भी काम में विघ्न बाधा पड़ती ही नहीं है। उस व्यक्ति का व्यवसाय चलता ही जाता है, उसे अधिक प्रसन्न रहते हैं गणेश भगवान और उसकी बुद्धि भी तेज कर देते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे स्वादिष्ट गुड़ ही है, इसलिए जब भी गणेश भगवान को गुड़ के घोल से स्नान कराएं तब उनसे कहें कि हे भगवान, हम आपको गुड़ के घोल से स्नान कराते हैं, हमारे द्वारा कराए गए इस स्नान को आप स्वीकार कीजिए। और फिर गणेश भगवान को नहला करके गुड़ का ही भोग लगा देना। और ग्रंथ कहता है कि मंगलवार को वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, ना ही नया वस्त्र पहनना चाहिए। अगर मंगलवार को झाड़ू खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, तो वो रामबाण आपके लिए साबित हो जाएगी, ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ भी बताते हैं। हर हर महादेव।